नमस्कार दोस्तों, आरओ फिल्टर सपोर्ट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आपके सामने जो एक आरओ वाटर प्यूरीफायर दिख रहा है, ये डॉल्फिन टाइप का आरओ वाटर प्यूरीफायर है और इसका प्रॉब्लम यह है कि आरओ वाटर प्यूरीफायर बंद करने के बाद भी पानी चालू रहता है। तो ये पानी जो आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये मैंने आरओ चालू किया है अभी, तो अगर मैं इसको बंद करता हूँ तभी भी ये चालू रहता है, थोड़ा थोड़ा चालू रहता है। ये देखिए, रिजेक्ट वाटर भी आ रहा है और प्योर वाटर भी आ रहा है, क्योंकि अभी ये आरओ चालू है। तो इसको मैं करता हूँ अभी बंद। ये देखिए, यहाँ से मैंने ये स्विच ऑफ कर दिया। तो स्विच ऑफ कर दिया तो इसका जो प्योर वाटर है और रिजेक्ट वाटर है दोनों बंद होना चाहिए, लेकिन नहीं बंद होता है। ये देखिए, तो ये प्योर वाटर की हालत देखिए, ये चालू ही है। ये देखिए, तो इतना ये पानी आता है। तो ये थोड़ा थोड़ा, ये देखिए, अभी थोड़ा थोड़ा टपक रहा है ना, ये चालू ही रहता है, ये बंद नहीं होता है। तो इसका मतलब यह है कि कुछ तो गड़बड़ है, इलेक्ट्रिक गड़बड़ है वाटर प्यूरीफायर में। और दूसरी बात अभी मैं दिखाऊंगा, तो अभी दिखाता हूँ मैं रिजेक्ट वाटर। ये देखिए, रिजेक्ट वाटर का पाइप देखिए, रिजेक्ट वाटर भी आ रहा है और बहुत अच्छे खासे स्पीड में आ रहा है। दोस्तों, इतना नहीं चलेगा, वाटर प्यूरीफायर बंद होने के बाद बंद होना चाहिए। तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो हमने ढूंढ लिया है। देखिए, ये जो एसवी है, ये देखिए लाल वाला जो दिख रहा है आपको, तो ये एसवी है। ये देखिए, ये एसवी, ये जो मैं हाथ से आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये एसवी है लाल वाला। तो इसको मैंने रिप्लेस कर दिया है, पहले ही रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि मुझे लगा एसवी का प्रॉब्लम होगा, ख़राब हुआ होगा। लेकिन ये देखिए, ये निकाल दिया है ये पुराना वाला, और उधर नया वाला एसवी लगा दिया है। फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, फिर भी जो पानी आना है वही आ रहा है। तो प्रॉब्लम क्या हो सकता है? तो ये तो बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है दोस्तों ढूंढना। अभी देखते हैं, ये देखिए, इतना पानी आता ही रहता है जो है। अभी ये टपक रहा है, देखिए, बूंद 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 आता है, और ये पानी हमारी टंकी भरने के लिए काफ़ी है। ये सब निकालूंगा मैं बाहर, एसवी को ही बाहर निकालना पड़ेगा मुझे। डायरेक्ट चेक करूंगा इसको पानी के ऊपर लगा कर, जो इनलेट वाटर है हमारा, इसके ऊपर लगा कर मैं इसको डायरेक्ट चेक करने वाला हूँ, ताकि कुछ जो अलग टाइप के प्रॉब्लम होगा तो वो भी मिल जाएगा हमें। तो ये सेडिमेंट फिल्टर साइड में निकाल दिया है, क्योंकि बीच में हाथ नहीं जाएगा इसको निकालने में। और इसका कनेक्शन कर देता हूँ रिमूव, जो एसवी है इसका इन का पहले कनेक्शन निकाल देता हूँ। दोस्तों, जो कनेक्शन हम रिमूव करते हैं उसको आपको ध्यान से या गौर से ध्यान में रखना चाहिए, नहीं तो बाद में आप फंस जाएंगे। तो ये देखिए, साइड में निकाल दिया, इसका जो बूस्टर पंप की तरफ जाने वाला कनेक्शन था उसको निकाल दिया था। और ये लगा दूंगा मैं अभी, ये पाइप है, ये इनलेट की तरफ से आई पाइप है, मतलब हमारा जो इनपुट वाटर है वहाँ से। और ये चालू कर दिया, बिना एसवी चालू किए ही देखिए पानी इतना आने लगा है। देखिए, इतना पानी आ ही रहा है, ये मैंने ना एसवी चालू किया है ना और सिस्टम चालू किया है, फिर भी पानी आ रहा है। देखिए, अब इसका निकाल देता हूँ इनपुट कनेक्शन वाटर का, और सेडिमेंट की पीछे की साइड से लेता हूँ, ताकि उसको चेक करने में इलेक्ट्रिक कुछ प्रॉब्लम है क्या, ये मुझे आसानी हो जाए। तो दोस्तों, इस एसवी को मैं अभी यहाँ से डिसकनेक्ट करूँगा, मतलब अपने वाटर सिस्टम से अलग कर दूँगा, और फिर चेक करूँगा कि वाटर कनेक्शन देके कि इससे वाटर लीकेज होता है या नहीं है। अगर इससे पानी लीकेज नहीं होता है तो प्रॉब्लम हमारे वायरिंग का होगा, वायरिंग उल्टी लगाई होगी। कभी कभार क्या होता है, अगर आपकी वायरिंग उल्टी लगाई है तो आपका एसवी लीकेज हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस सिस्टम में क्या हुआ है देखते हैं। पहले वायर कट कर देता हूँ। ये देखिए, ये लाल वाली मैंने कट कर दी, ये सफ़ेद वाली भी मैंने अभी कट कर दी है। तो इसको सीधा यहाँ से उठाऊँगा और अपना जो इनपुट वाटर कनेक्शन है यहाँ जोड़ दूँगा। ये देखिए, ये इनपुट वाटर कनेक्शन की पाइप है और इसको मैंने जोड़ दिया है। इसको जोड़ने के बाद आप चालू करूँगा मैं पानी, यहाँ से वाटर चालू करूँगा इनलेट कनेक्शन का। तो देखिए, एक बूंद भी नहीं आ रहा है, मतलब पानी नहीं आ रहा है। तो जब इलेक्ट्रिक कनेक्शन से डिस्कनेक्ट करता हूँ तो एसवी लीकेज नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमारे इलेक्ट्रिक कनेक्शन में ही प्रॉब्लम है। तो इलेक्ट्रिक कनेक्शन हमारा
प्रॉपर नहीं था, यानी कि उल्टा लगा दिया था। तो अपना हमें क्या करना पड़ेगा, अभी जो पहले था उससे उल्टा लगाना पड़ेगा, क्योंकि लाल वाली वायर सफ़ेद को जोड़ेंगे और सफ़ेद वाली वायर लाल को जोड़ेंगे। इस तरह से इलेक्ट्रिक कनेक्शन करके हम टेस्ट करने वाले हैं, तो देखते हैं आगे क्या होने वाला है। दोस्तों यहाँ से भी ये देखिए, ये दोनों वायर भी मैंने अच्छी तरह से छान ली है, ये देखिए। तो मैं अभी क्या करूँगा, जैसा पहले कनेक्शन था उसके उल्टे लगा दूँगा, मतलब सफ़ेद वाली वायर जो एसवी की है अंदर से आने वाली लाल वायर को जोड़ दूँगा, और जो एसवी की लाल वाली वायर है अंदर से आने वाली सफ़ेद वायर को जोड़ दूँगा। इसका मतलब है कि कनेक्शन सीधा हो जाएगा। तो ये देखिए, इसको जोड़ दिया है। इसको जोड़ने के बाद ही पता चलेगा कि हमारा प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम था हमारा, वो छूट गया है या नहीं है, ख़त्म हुआ है या नहीं है। लेकिन आशा करता हूँ दोस्तों ये प्रॉब्लम ख़त्म होगा, क्योंकि प्रॉब्लम तो एसवी का ही है। अगर एसवी हम रिमूव करते हैं तो ओके चलता है। तो देखिए अभी मैंने जोड़ दिया, आरओ सिस्टम चालू करता हूँ मैं। ये देखिए आरओ सिस्टम भी चालू किया, पानी आने लगा। हाँ, इनलेट कनेक्शन चालू किया, आरओ कनेक्शन चालू किया, पानी आने लगा। अभी आरओ मैंने बंद कर दिया, एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा है, देखिए एक बूंद भी। इनलेट वाटर चालू है और हमारा जो कनेक्शन आरओ का है वो मैंने बंद कर दिया, तो एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा है। इसका मतलब वायरिंग का ही प्रॉब्लम था। अब लगभग लगभग हमारा प्रॉब्लम ख़त्म हो चुका है दोस्तों। ये सिस्टम में प्रॉब्लम यही था कि जो हमारा एसवी था इसका कनेक्शन उल्टा कर दिया था, इसलिए ये थोड़ा थोड़ा खुला रहता था, इसलिए बूंद बूंद पानी आगे निकल जाता था। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम डिसाइड हो चुका है, मिल चुका है। तो इसको अभी मैं जोड़ दूंगा, जैसे कनेक्शन पहला था वैसे उसको जोड़ दूंगा। ये जो वायर्स है उसको चिकट टेप लगा दीजिए, अच्छी तरह से लगा दीजिए। चिकट टेप लगा दिया है दोस्तों, और चिकट टेप लगाने के बाद आपको और दूसरी वायर को भी चिकट टेप लगा देता हूँ। आरओ का कनेक्शन करते समय दोस्तों ये ध्यान में रखना चाहिए कि वायरिंग उल्टा ना हो जाए। अगर वायरिंग उल्टा होता है तो थोड़े दिन आरओ चलता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे प्रॉब्लम आने लगता है। तो लगा दिया है दोस्तों, और इसको लगाऊंगा मैं, जो ये सेडिमेंट के ऊपर वाला पाइप है इसको लगा देंगे पहले, ये देखिए, क्योंकि सेडिमेंट से ही पानी अपने एसवी को आने वाला है। तो इसको यहाँ इन है उसका, तो यहाँ जोड़ दूंगा, और अंदर की साइड में उसका आउट है। तो ये देखिए, ये यहाँ मैं इसको सेट कर देता हूँ ताकि सेडिमेंट भी लगना चाहिए। इस तरह के वाटर प्योरीफायर में पीछे फिल्टर वाली साइड होती है, उसको बहुत कम जगह होती है दोस्तों, इसलिए हमें हर एक इंस्ट्रूमेंट या हर एक स्पेयर सोच समझ कर लगाना पड़ता है उसकी जगह पर। ये देखिए अंदर वाली पाइप भी जोड़ देता हूँ बूस्टर पंप की। ये पाइप तो मैंने अभी देखिए, एक हाथ अंदर पूरी तरह जाना चाहिए, क्योंकि अंदर की पाइप पकड़ने के लिए ये जोड़ दिया है, इस तरह से लग गया। तो ये इस तरह से कन्फर्म करना पड़ेगा, हो गया है, अच्छी तरह से जोड़ दिया है इसको, और ऊपर सेट कर देता हूँ पाइप। ये सेडिमेंट लगा दीजिए इसके अंदर, क्लैंप्स के अंदर, और सेडिमेंट लगा दिया, ये देखिए हो गया। और सेडिमेंट की जो आउट वाली साइज है, आउट वाली साइड है, उस साइड में हमारे एसवी का जो पानी का पाइप है ऊपर वाला, उसको जोड़ देंगे, अच्छी तरह से लगाइए। लगा दिया, ये देखिए पूरा। अभी जो इनलेट वाला पाइप है, देखिए पानी जोड़ दिया है मैंने, ये इनलेट वाटर भी चालू कर दिया है, और अभी चालू करूँगा मैं, ये देखिए बटन ऑन कर दिया, और ये कॉल भी चालू कर दिया। अब देखेंगे पानी आता है या नहीं, पानी तो आएगा ही आएगा,
लेकिन बंद करने के बाद पानी बंद होना चाहिए। ये देखिए पानी आने लगा है, तो लीकेज वगैरह कुछ नहीं है। लीकेज भी देखना चाहिए आपको, ये देखिए यहाँ से भी पानी आने लगा है, मतलब प्योर वाटर भी आ रहा है, रिजेक्ट वाटर भी आ रहा है, अच्छे खासे स्पीड में आ रहा है। देखिए अच्छे स्पीड में आ रहा है, ये देखिए, और रिजेक्ट वाटर भी आ रहा है। तो अभी इसको करना पड़ेगा बंद। ये देखिए मैं इसको बंद कर देता हूँ इस सिस्टम को। तो ये सिस्टम मैंने बंद कर दिया, अभी थोड़ी देर पानी चालू रहेगा, एक आधा मिनट या 15 सेकंड तक पानी चालू रहेगा, उसके बाद पूरा की पूरा पानी बंद होना चाहिए, तभी ये हमारा ऑपरेशन सक्सेस हो गया ऐसे हम समझेंगे। सक्सेस होगा ही दोस्तों, क्योंकि हमने ये सी बाहर निकाल कर चेक करके देखा था। अब ये देखिए पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, ये देखिए ये 10-15 सेकंड तो टपकता ही है, जो फिल्टर में बचा हुआ पानी होता है। ये देखिए अब ये पानी बंद होने के कगार पर है, देखिए बहुत लंबी लंबी सांस ले रहा है। तो यहाँ से भी पानी बंद लगभग लगभग हो चुका है। तो आपको मैं प्योर वाटर का दिखाता हूँ, ये देखिए पूरा की पूरा बंद हो चुका है। देखिए अभी नल खाली दिख रहा है, पूरा की पूरा बंद हो चुका है। और अब मैं दिखाऊंगा आपको रिजेक्ट वाटर, ये देखिए। तो ये थोड़ा थोड़ा बूंद आएगा एक डेढ़ मिनट तक या 10-15 सेकंड तक, उतना तो चलेगा ही, क्योंकि जो पानी फिल्टर्स में होता है बचा हुआ होता है वो आता है। तो ये बंद हो जाएगा, हो जा भाई, हो जा हो जा हो जा, बहुत टाइम निकाला है हमने। ये देखिए पूरा की पूरा बंद हुआ, एक भी बूंद नहीं आ रही, एक भी। तो ये दोस्तों इस तरह से आप भी अपने वाटर प्यूरीफायर का अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।